फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सीएमए कोर्स 2021 में करना चाहिए। क्या आपके कैरियर को ये बूस्ट कर सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th 12th क्वालिफाई होंगे या फिर अभी सोच रहे होंगे कि हमें अपने लाइफ में एक प्रोफेशनल कोर्स करना है। एंड हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, हम कम टाइम में एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करो। माई नेम इज सीएमए रोहन शर्मा एंड आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट बाई क्वालिफिकेशन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो। थैंक्स। मैं आपको बताऊं सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू मस्ट नो अबाउट सीएमए इंस्टीट्यूट के सीएमए इंस्टीट्यूट है क्या एग्जैक्टली। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से स्टेटरी बॉडीज बनाई गई जिसमें सीएमए इंस्टीट्यूट भी एक है। इंडिया में जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैटर्स होते हैं मिनिस्ट्री के, वो सारा कुछ सीएमए इंस्टीट्यूट हैंडल करती है। सीएमए इंस्टीट्यूट इज ओनली वन इंस्टीट्यूट हु आर हैंडलिंग ऑल द कॉस्टिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। स्पेशल एक्ट है इसके लिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959, जो सीएमए इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करती है एंड पावर्स देती है बहुत सारे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सीएमए इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सीएमए कोर्स को परस्यू कर रहे हैं एंड मोर देन 85,000 क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड इंडस्ट्री में वर्किंग है। सो अगर आप सीएमए कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो आप सीएमए कोर्स करने जा रहे हो। सो आप ऐसा मत सोचना कि इस कोर्स का कैरियर क्या होगा। आने वाले वीडियोज में आप देख लोगे कि क्या क्या फ्यूचर में आप कर सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है यार कि मैं एक अच्छा क्वालिफिकेशन के बाद अपने लाइफ में जॉब करूं, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आपने सीएमए क्वालिफाई कर लिए तो आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए, अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करो किसी कंपनी की, तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, सीएफओ, इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोलर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारी चीजें टॉप मोस्ट पोजिशन होती हैं किसी भी कॉर्पोरेट्स में। ये आपको इनिशियल स्टेज में सारे पोजीशंस तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद आपको ये सारे पोस्ट में आप पहुंच सकते हो अपने एफर्ट से। सीएमए क्वालिफिकेशन में वो पावर है। सो यू कैन डू एंड आप इस लेवल तक आप पहुंच सकते हो। हाँ, बीइंग ए फ्रेशर सीएमए अगर आप पूछो तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी एंड एग्जीक्यूटिव लेवल से आप स्टार्ट करते हो। बहुत सारी कंपनी मैनेजमेंट ट्रेनी आपको देती है, कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव लेवल पर देती है। सो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो कितनी बड़ी कंपनी है एंड उस अकॉर्डिंग वो आपको पोस्ट डिसाइड करती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो मैं आपको बताऊँ, सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा अदर बॉडीज भी है गवर्नमेंट की जिन्होंने काफ़ी सारे राइट्स दे रखे हैं सीएमए को। सो अगर आप बात करो कि आप सीएमए क्वालिफाई होने के बाद अगर आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये बहुत शॉर्ट है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिट आता है, इंटरनल ऑडिट भी आप कर सकते हो अंडर सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अलावा स्पेशल ऑडिट्स होते हैं अंडर जीएसटी, अंडर कस्टम। पहले जीएसटी में एक नॉर्मल ऑडिट भी होता था जो एनुअली होता था, उस ऑडिट को अभी एबोलिश कर दिया गया है। अदरवाइज वहाँ भी सीएमए के पास राइट्स थे। स्टॉक ऑडिट्स होते हैं, वेरियस बैंक्स ने सीएमए को ऑथराइज कर रखा है स्टॉक ऑडिट्स के लिए, कंकरेंट ऑडिट के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। तो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है आज के टाइम में, ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कोर्स आई है एंड ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। बट हाँ, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको मोर देन 10 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप सीएमए बनने के काफ़ी टाइम बाद आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो। आर्बिट्रेट का भी कुछ ऐसा ही है, 3 से 4 साल के बाद आप आर्बिट्रेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप रजिस्टर्ड वैल्यूअल भी बन सकते हो अंडर कंपनीज एक्ट। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है बिकॉज ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने उतनी कंटेंट को इंसर्ट किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगे हैं। अब मैं बात करता हूँ कोर्स के बारे में। तो वो कोर्स को ना 3 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। एक तो आपका फाउंडेशन हो गया, एक इंटरमीडिएट हो गया एंड फाइनल हो गया। फाउंडेशन में 4 पेपर्स हैं, इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स हैं एंड फाइनल में भी आपको 8 पेपर्स हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स मेंशन है, बट मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ कि सीएमए कोर्स इज मोस्ट फोकस ऑन
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर स्ट्रांग है, आप कैलकुलेशंस में स्ट्रांग हो, या फिर आपको कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है ज़्यादा, आप थ्योरी से थोड़ा ज़्यादा भागते हो, तो इन दैट केस CMA कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ लॉ का ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी ज़्यादा क्या 100% थ्योरी है। इसके अलावा मोस्टली हर एक जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। सो यहाँ पे कैलकुलेशंस आप काफ़ी सीखने वाले हो, काफ़ी करने वाले हो, सो अगर आपको कैलकुलेशंस बोर नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो देन इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आफ्टर इट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, बिकॉज देखो CMA कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, एंड आफ्टर क्वालिफाई CMA आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप कंपनीज के लिए काम करोगे, उनके डिसीजन मेकिंग्स करोगे, उनको आप एडवाइजरी करोगे, सो इसके लिए आपको पहले से इंस्टीट्यूट वेल ट्रेंड करना चाहती है, एंड CMA इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स इंक्लूड कर रखे हैं कोर्स में जो ड्यूरिंग द स्टडी आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 3 कंपलसरी कोर्सेज है, SAP फाइनेंस पावर यूजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ई फाइलिंग। तो कोई SAP आज के टाइम में वर्ल्ड में मोर देन 60% ऑफ द कंपनीज SAP सॉफ्टवेयर को यूज करती है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। सो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इसलिए CMA इंस्टीट्यूट ने इसे पहले ही आपके कोर्स में इम्प्लीमेंट कर दिया है, सो ये काफ़ी अच्छी थिंग है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सारी चीज़ें आप इंडस्ट्री में जब जाते हो तो आप यूज करते हो, तो आपको सारी चीज़ें आपको यहीं सिखाई जाएगी, आपको कहीं से अलग से कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ई फाइलिंग में आपको GST रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके अलावा बहुत सारे जो भी रिटर्न होते हैं वो सारी चीज़ें आपको ई फाइलिंग में आपको सिखाई जाएगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये ऑल्सो है। वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग में आपको एक देखो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपको प्रेस सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मिलेगी जो 20 आवर्स की होगी। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये सारी चीज़ें, 4 जो ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल्स को भी बिल्ड किया जा रहा है कि जब आप कॉर्पोरेट में जाओ तो आपको कोई ऐसा चीज़ ना दिखे जिससे आप फैमिलियर ना हो, आपको सारी चीज़ें नोन लगे, सारी चीज़ें आप इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, इसलिए CMA इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की। इसके अलावा आपको 15 मंथ की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आप किसी CMA फॉर्म में कर सकते हो, किसी CMA फॉर्म के अलावा आप कंपनी में कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है, आप दोनों में कर सकते हो। सो काफ़ी सारी वैकेंसीज भी आते रहती है। एंड इसके अलावा एक 7 डेज की इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जब आप इंटर क्वालिफाइड करके आप फाइनल में जाओगे, सो फाइनल क्वालिफाई करने से पहले आपको 7 डेज की मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी है। ये काफ़ी मुझे देखो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी जब रिसेंटली अपडेट आया था SAP कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ई फाइलिंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू एडिट करेगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, किसी कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए आप जा रहे हो, तो आपको ये 3 कोर्स प्लस कैम्ब्रिज, ये 4 कोर्स जो है ना, आपको सबसे डिफरेंट ट्रीट करवाएंगे, एंड यू विल डेफिनेटली मोर चांस कि आपको उस जॉब में मिल जाए अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो। जैसे आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 मंथ की कर रखी हो, आपको बुकिश नॉलेज भी काफ़ी अच्छी हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट ए जॉब। अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की, तो CMA इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली कोर्स फीस अपडेट कर दी है। अगर आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको 23,100 इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप फाइनल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको 25,000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है, अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। इंटरमीडिएट के लिए 12,000 एंड 11,000 का एक इंस्टॉलमेंट है, एंड फाइनल के लिए 15,000 एंड 10,000 का एक इंस्टॉलमेंट है। सो ये आप इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन दी गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यहाँ पे ड्यू डेट है, देखो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ कि जब भी आप एग्जाम देना चाहते हो उससे आपको 4 मंथ पहले आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है, एंड 4 मंथ पहले आपकी सारी पेमेंट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं CMA, तो अब हमने क्वालिफाई कर लिया, अब पैकेज क्या मिलेगा अगर आप CMA क्वालिफाई कर लेते हो। सो अगर आप कैंपस में पार्टिसिपेट करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो अराउंड 500 न्यूली क्वालिफाइड CMAs वर सिलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट। ये अभी रिसेंट कैंपस प्लेसमेंट की अपडेट है,
जिसमें कॉर्पोरेट 40 कंपनीज सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किए, और जिसमें हाईएस्ट पैकेज 22 लाख पर एनएम मिला है सीएमए क्वालिफाइड को। जो 5 स्टूडेंट्स थे उनको 22 लाख का पैकेज एसेंचर ने ऑफर किया, बाकी स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज 10 लाख मिले। और कंपनीज जो मोस्ट, जैसे आप पीएसयू यहाँ देख सकते हो, गेल, एनबीसीसी, ईआईएल, आरईसी, ये सारी कंपनीज ने यहाँ पे कैंपस में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे एमएनसीज ने भी पार्टिसिपेट किया। आप यहाँ पे एमएनसीज देख सकते हो, एसेंचर, फिलिप्स, वेदांता, आईटीसी, सीएट, सिटको, लफार, गोल्डमैन, वीप्रो, केपीएमजी, टीसीएस, बहुत सारी कंपनीज है जो सीएमए कैंपस में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। एंड देखो, एवरेज पैकेज भी कैंपस में जो मिलता है, अगर मैं छोड़ रही, कुछ कंपनीज, जैसे सारी कंपनीज 10 लाख का पैकेज नहीं ऑफर किया होगा, कुछ कंपनीज ने 6 लाख का, कुछ कंपनीज ने 22 लाख का पैकेज ऑफर किया, तो उनको सब टोटल पैकेज को ना एवरेज कर दिया जाता है, जिसके वजह से एवरेज पैकेज आपको 10 लाख दिख रही है। बट हाँ, कैंपस में ऐसी भी कंपनीज आती है जो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का भी पैकेज ऑफर करती है, और ऐसी भी कंपनीज आती है जो 22 लाख का पैकेज ऑफर करती है। तो डिपेंड करता है, देखो सबके पास तो सेम क्वालिफिकेशन होता है, बट कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती है आपके रिज्यूम में, जिसके वजह से किसी को 22 लाख का पैकेज मिलता है, किसी को 10 लाख का, किसी को 5 लाख का, और किसी को जॉब नहीं भी मिल पाती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर आप अपना वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप भी 22 लाख के पैकेज में हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। देखो, जो 22 लाख के पैकेज में है वो भी हमारे जैसे ही कोई एक स्टूडेंट होगा। अगर आप ऑफ कैंपस की बात करते हो तो मिनिमम कैन नॉट डिसाइड, मिनिमम पैकेज भी आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको मिनिमम कितनी सैलरी मिल सकती है। एवरेज अगर आप बात करो तो 4 to 6 लाख ऑफ कैंपस में मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाते हो जॉब के लिए तो 4 to 6 लाख का आपको पैकेज मिल जाता है बीइंग ए फ्रेशर कॉस्ट अकाउंटेंट। मैक्सिमम ये भी नहीं डिसाइडेबल है, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20 का भी मिल सकता है, कोई नहीं डिसाइड कर सकता है किसको कितने तक का पैकेज मिल सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैकेज में वेरिएशन होता है। सो ये सारा कुछ था सीएमए कोर्स के बारे में, पैकेज के बारे में। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे जाना है, एंड यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर इट यू विल गेट ए फॉर्म, एंड आपको फॉर्म फिल करना है। आफ्टर इट यू विल गेट रजिस्टर्ड इन सीएमए कोर्स। सो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो सीएमए कोर्स में। इसके अलावा मैं ग्लोबल रिकॉग्निशन के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज जब आप सीएमए क्वालिफाइड कर लोगे सो सीएमए क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट इन यूके, एंड सीएमए फाइनल क्वालिफाइड इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट, यानी मास्टर डिग्री के बराबर आपकी क्वालिफिकेशन होगी इन यूके एंड इन यूएई। आपकी इंटर क्वालिफाइड, इंटर क्वालिफाइड के बराबर होगी, एंड फाइनल क्वालिफाइड उनके मास्टर डिग्री के बराबर होगी। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको पहले नारिक था, अब ECC आपको इस पार्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है, एंड वहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सबमिट करनी है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है यूके की, जहाँ पे आप अपनी जब क्वालिफिकेशन सबमिट करोगे, आफ्टर इट वो एक आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन यूके में किस क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है, एंड उस अकॉर्डिंग यूके में जो भी जॉब वैकेंसीज होगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप यूएई में अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ से एक सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके क्वालिफिकेशन की वैल्यूएशन के बेसिस पे, जिस अकॉर्डिंग सीएमए इंटर क्वालिफाइड इज इक्वल टू ग्रेजुएट एंड सीएमए फाइनल क्वालिफाइड इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि सीएमए कोर्स काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी चीज़ें रिन्यू हो रही है, एंड सीएमए इंस्टीट्यूट अच्छे तरीके से काम कर रही है। हाँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होते हैं हर एक इंस्टीट्यूट, हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, जैसे मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी 100% परफेक्ट नहीं हो, तो इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं कि 100% परफेक्ट है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सो आप सीएमए कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली इन आने वाले टाइम में सीएमए कोर्स की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, एंड इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। सो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, और अगर आप कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, और आप चाह रहे हो कि आपको 3 to 4 ईयर में आपको एक अच्छी कोर्स करके एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर करो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।